हेलो गाइस, सो दिस वीडियो रिगार्डिंग द KUPY एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड न्यू अप्लीकेशन फॉर्म, और कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और कब अप्लाई करना है, और कब इसके अप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, और कौन कौन एलिजिबल है, और ये होता क्या KUPY के अंदर मेजरली, और हमको जो बेनिफिट क्या है इसका, तो इसके बारे में आज अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज यार बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ये क्वारी करते हैं कि भैया हमको जो है KUPY का अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और क्या होता है ये KUPY। यार KUPY का मतलब होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ओके, एंड दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर्स एंड अदर। सो सिंपली अगर इसका जो फुल फॉर्म की बात करें तो ये किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये जो कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं यार, स्पेशली ये जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो 11th क्लास और 12th क्लास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब 11th क्लास वाले कब अप्लाई कर सकते हैं, देखो यार 11th क्लास में दो कंडीशन बनती है। एक तो ये कि आपने जस्ट 11th क्लास में एडमिशन ले लिया है, यानी कि आप एक दो महीने हो गए पढ़ते हुए, या फिर आपने अभी 10th का एग्जाम दिया है और आप अभी 11th में बैठने वाले हो, यानी कि भी बैठे नहीं हो, या फिर आप बैठ चुके हो, तो आप एलिजिबल हैं। जो उस स्ट्रीम होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम एस ए स्ट्रीम, उसको बोला जाता है। दूसरा आप लोगों के पास ऑप्शन होता है 11th के बाद, जैसे आप मान लो आपने 11th पास कर लिया, या फिर आपने 11th का एग्जाम दे दिया है और आपका 11th का जो हमारा एग्जिट आने वाला ही है, और आप 12th के अंदर बैठ चुके हो और आपने अभी तक 12th का एग्जाम दिया नहीं है, ठीक है, यानी कि इसी साल आप 12th का एग्जाम देने वाले हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर KUPY एग्जाम। ओके, सो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक आपने 11th क्लास में जब आप होने वाले हो या फिर हो चुके हो, देन आप दे सकते हो। जैसा कि मान लो मैं 2022 के अंदर 11th का एग्जाम देने वाला हूँ, ये सेशन तो खत्म हो गया ना, अभी मई आ रहा है, तो मैं 2023 में अगर 11th का एग्जाम देने वाला हूँ, देन मैं जो है एस ए स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने अभी 10th का एग्जाम दे दिया है, ऑलमोस्ट बोर्ड के एग्जाम 10th के खत्म हो चुके हैं, तो मैं अब 10th का एग्जाम देते ही मैं 11th के लिए एलिजिबल हूँ, देन आई एम अप्लाइंग फॉर 11th क्लास। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या होता है कि मैंने 11th का एग्जाम दे दिया है, देन मैं 12th में हो चुका हूँ, या फिर मैं 12th की भी या तो स्टडी करने वाला हूँ, या फिर मैंने स्टार्ट कर दी है एक दो महीने से, या फिर एक दो दिन से, जो भी है, देन आई एम एलिजिबल फॉर KUPY। जो स्ट्रीम होती है उसको हम बोलते हैं एस बी स्ट्रीम, ठीक है, देन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एस एक्स स्ट्रीम। तो ये दो तो ये हो गया, देन हमारे पास जो थर्ड स्ट्रीम होती है दिस इज कॉल्ड एस बी स्ट्रीम। एस बी स्ट्रीम में क्या होता है, जस्ट लाइक मैंने 12th तो पास आउट कर चुका हूँ, मैं अगर जस्ट जो है ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंस है, ग्रेजुएशन में सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट लाइक जो बच्चा बीटेक कर रहा है, बीटेक वाला स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। ग्रेजुएशन में कौन कौन कर सकते हैं, जस्ट लाइक बीएससी, बीएसएमएस, बी स्टैटिक्स, बी मैथ, इंटीग्रेटेड एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएस, देन इफ दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, जस्ट लाइक जो है बीएससी, बीएस, बी स्टैटिक्स, बी मैथ एंड इंटीग्रेटेड एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएस, बीएस, जो भी प्रोग्राम्स हैं। अब इसके जो है एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं यार, जनरली जो है आप लोग एडमिशन किस सेशन में लेते हो, जैसे कि मैंने एडमिशन ऑलमोस्ट जो आप जुलाई में लेते हो एडमिशन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुलाई में एडमिशन ले लेते हैं, यानी कि 11th क्लास में लो या फिर 12th क्लास में लो, जुलाई में आप एडमिशन लेते हो, तो एटलीस्ट 1 से 2 महीने के बाद, यानी कि आपके लास्ट अगस्त या फिर 1 सितंबर में आपके एप्लीकेशन फॉर्म KUPY के एग्जाम के स्टार्ट हो जाते हैं, देन आप KUPY का फॉर्म भरते हो जुलाई के अंदर और अगस्त के अंदर। जो बच्चे इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जस्ट लाइक जो 2022 के अंदर अभी इस सेशन पे एग्जाम पे चल रहे हैं, या फिर 12th का एग्जाम दे चुके हैं, या फिर अभी इनके एग्जाम रनिंग में चल रहे हैं, वो स्टूडेंट्स KUPY के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। जिन बच्चों ने अभी 12th में या तो प्रवेश लेने वाले हैं, या फिर ले चुके हैं, या फिर 11th में प्रवेश लेने वाले हैं, या फिर ले चुके हैं, देन ओनली एंड ओनली फॉर 2 कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर KUPY एग्जाम। जो स्टूडेंट्स अभी 11th क्लास का एग्जाम दे चुके हैं या फिर अभी रनिंग में चल रहे हैं, तो आप 11th वाली जो एस ए स्ट्रीम है उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। वही सेम फंक्शन चलता है 12th के लिए। अगर आप 12th का एग्जाम अभी दे चुके हैं, यानी कि जो मई में अप्रैल से आपके जो एग्जाम चल रहे थे मार्च से, वो आप अगर दे चुके हैं या फिर अभी चल रहे हैं, दे रहे हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, अभी अगर आपका जो है सेशन स्टार्ट ही हुआ है, यानी कि जो ऑलमोस्ट सेशन कब स्टार्ट होता है, अप्रैल में स्टार्ट कर देते हैं स्कूलों वाले, या फिर मार्च में कर दिया होगा, या फिर जून जुलाई में स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे वो 11th सेशन हो, 12th सेशन हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर KUPY एग्जाम। समझ गए आप, सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया। जो बच्चे न्यू परिवेश ले रहे हैं इस बार, अब यार इतना मतलब लेट कैसे हो गया KUPY,
जनरली जैसे आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हो, जैसे आपने मार्च में सॉरी आपने अगर अगस्त में, वो सारे पिछले साल बच्चों ने कब अप्लाई किया था जो है लास्ट ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट ऑफ सितंबर में अप्लाई किया था, एंड जो आपके जो जनरली जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो 10 जनवरी को होने वाले थे, कोविड की सेकेंड वेव आने की वजह से जो है फॉर्म मई तक एक्सटेंड कर दिए गए। अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 22 मई को हो रहा है, इस बार का जो एग्ज़ाम है वही सेम फंडा होने वाला है। आपको फिर से जो है अगस्त में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है और सितंबर में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आई विल जो नोटिफिकेशन आते मैं आपको बता दूंगा। देन जो है आप जो न्यू बच्चे हैं वो सितंबर में और अगस्त में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देना, आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में या फिर जो है लास्ट ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट ऑफ जनवरी के अंदर हो जाएगा KUPY का एग्जामिनेशन। और KUPY के बेनिफिट्स क्या हैं, देखो यार KUPY के मेजरली अगर अपन बेनिफिट्स बताएं तो स्पेशली अगर आप KUPY के बहुत अच्छे रैंक लेके आते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर बेस्ट आइसर्स। आइसर का क्या मतलब होता है, इंडिया के बेस्ट आइसर्स है जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जस्ट आप IISc बेंगलोर, इंडिया का बहुत अच्छा बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है IISc बेंगलोर, वहाँ पे आप ले सकते हो। एंड जस्ट बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेज है वो KUPY स्कॉलर्स को हायर कर लेते हैं डायरेक्टली बिना एंट्रेंस के एडमिशन दे देते हैं। टॉप जो कॉलेजेज होते हैं इंटरनेशनल कॉलेजेज वो जो है डायरेक्टली ले लेते हैं, ओलंपियाड से डायरेक्टली ले लेते हैं वो स्टूडेंट्स को, तो ये सारा का सारा फंडा है। और जस्ट अगर आप एक KUPY स्कॉलर हो एंड अगर आप जो दी गई है कुछ जो है सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, अगर आप जो है ट्वेल्थ के बाद इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेते हैं देन जो है गवर्नमेंट आपको पर मंथ का कुछ स्टाइफंड पे करती है, आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से पर मंथ 6 to 7,000 rupees आपको जो है हर बच्चे को पे किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ने के लिए रिसर्च के लिए। जैसे कि कुछ कोर्सेस दिए गए हैं आई विल बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि BSc जॉइन एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन बेसिक साइंस जैसे लाइक BSc BAS बी स्टेटिक्स बी मैथ इंटीग्रेटेड MSc इंटीग्रेटेड MS, अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं देन जो है आपका जो है सारा का सारा जो खर्चा है जैसे लाइक ड्यूरिंग द इंटरियम पीरियड ऑफ द 1 year दे विल बी इन्वाइटेड फॉर द नेशनल साइंस विजयोशी कैंपस एंड देयर ट्रेवल एंड एक्सपेंसेस एंड लोकल हॉस्पिटलिटी विल बी मेट बाई KUPY, यानी कि आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, सारा का सारा जो है KUPY जो है हैंडल करेगा, ठीक है। वही सेम फंडा जैसे सभी के अंदर दिया गया है, जस्ट लाइक कुछ आपको बेनिफिट्स दिए गए हैं, जस्ट लाइक आपको ट्रिप भी है एंड जस्ट लाइक कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी जैसे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कुछ यार इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि जैसे आपको जो स्टाइफंड दिया जाता है ये इन कोर्सेज के अंदर मेजरली अगर आप एडमिशन लेते हैं देन, तो ये सारा का सारा सिंपल फंडा है। और जस्ट ग्रेजुएशन वालों के पास भी ऑप्शन है लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप जस्ट BSc BAS बी मैथमेटिक्स बी स्टेटिक्स ये सारे में सब्जेक्ट आपके पास है देन यू आर एलिजिबल फॉर KUPY और आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। अप्लीकेशन फॉर्म जनरली जो जो है इसी में सितंबर और या फिर जो अगस्त के अंदर रिलीज होता है KUPY का, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, यानी कि वैज्ञानिकों को बढ़ावा दे रहे हैं, रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं। BTech को इसमें कंसिडर नहीं किया जाता, जो बच्चे KUPY का एग्ज़ाम दे के BTech में एडमिशन लेते हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल। जो बच्चे KUPY का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको IISc में जस्ट अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेते आते हैं देन आईसर के अंदर जो आपको कुछ कोर्सेस जैसे कि इंटीग्रेटेड BAS MS इन जस्ट लाइक BTech बी स्टेटिक्स और बी मैथमेटिक्स और BAS और BSc इन सारे कोर्सेस में एडमिशन दिया जाता है यार, इसमें BTech नहीं होता आपके लिए, ठीक है। जो बच्चे KUPY से एडमिशन लेना चाहते हैं इंडिया के टॉप रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट के अंदर, उनके लिए BTech ऑप्शन नहीं है, ठीक है। BTech का KUPY सपोर्ट नहीं करता, KUPY सिर्फ रिसर्च प्रोग्राम्स का सपोर्ट करता है। तो आपका अगर फोकस है कि आपको BTech करना है देन जस्ट आप KUPY का सपना छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जस्ट आई थिंक और तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो सिंपल है, सिलेक्शन प्रोसेस हिंदी और इंग्लिश के अंदर ये जो है देना होता है। फिलोशिप के अंदर आप वेबसाइट पर दे सकते हो, जस्ट लाइक 5,000 मंथली दिखा रहा है इसके अंदर, जो भी SA SX और SB ड्यूरिंग फर्स्ट टू थर्ड ईयर। कोर्सेज का नाम बताऊं तो BSc BAS बी स्टेटिक्स बी मैथमेटिक्स इंटीग्रेटेड MSc और MS, ठीक है। तो आपका एक साल का 20,000 rupees आपको मिलेंगे। और जो भी SA SX SB स्ट्रीम जो है 4 to 5 year इंटीग्रेटेड कोर्सेज वाले हैं उनको जो मिलेगा वो है 7,000 rupees पर मंथ स्टाइफंड।
और टोटली आपको 28,000 हो गया। ठीक है, तो यार आपको जो पीएसओ के लिए नहीं पढ़ना है, आपको जस्ट फोकस करना है। एक बार जो बच्चा IAESC के अंदर घुस गया, IAESC में एडमिशन जिसने ले लिया, देन आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बिल्कुल ही चेंज आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी लाइफ के साथ ये क्या हो गया। तो यार जस्ट खूब पढ़ते रहो और जस्ट आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, देन यार लाइक का बटन दबा दिया करो। ठीक है, कितनी गर्मी के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं फ़ैन वगैरह ऑन कर दूँ देन बहुत जस्ट लाइक आवाज़ आने लगती है आपको फ़ैन की, देन बिकॉज आई क्रिएटिंग ए वीडियो फ्रॉम हॉस्टल। ठीक है, तो यार लाइक का बटन दबा दिया करो। ठीक है, उसके कोई पैसे तोड़ना लगते हैं, वैसे भी KUPY से आपको कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ते रहो यार, और न्यू एप्लीकेशन फॉर्म का आपको पता चल गया होगा। देन जो बच्चे ने अपने इस सेशन के जो फॉर्म है, जनरली अगर मैं बताऊँ जो आपको जो 22 मई को जो